हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड ट्रिप्स विद जीएम राइडर। और बॉम्बे में मॉनसून चालू है, तो हमारी मॉनसून की सेकंड राइड है। एक महाबलेश्वर जा करके आए, एंड ये सिर्फ वन डे राइड है, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं जा रहे हैं। यहाँ से सावन का महीना चल रहा है, तो सोचा कि महादेव के दर्शन करें, इसलिए अभी हम जा रहे हैं तुंगारेश्वर। लगभग 3:30 हो रहे हैं, यहाँ से कुछ 1-1.5 घंटे की राइड है। वहाँ जाएंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे, थोड़ा आजू बाजू में एक्सप्लोर करेंगे, एंड विल बी बैक, देन वी विल बी बैक अराउंड मोस्टली बाय नाइट। तो भाई लोग अब निकलते हैं तुंगारेश्वर, और ऑन द वे मेरे को इस राइड पे ज्वाइन कर रहे हैं अपने नवीन अन्ना एंड डीजे धनंजय। ही इज़ ज्वाइनिंग मी एंड दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी नियर फाउंटेन। वसई ब्रिज के आगे मुझे मिलेंगे, तो मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ। सावन का महीना और शिवजी के दर्शन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो निकलते हैं, ऑलमोस्ट बारिश का मौसम हो रहा है। तो भाई लोग अपना सेटअप रेडी है, अपनी डेजर्ट शिप रेडी है, जर्नी स्टार्ट करते हैं तुंगारेश्वर की। हर हर महादेव। हमारी राइड नंबर 6। एंड हाईवे पे धनंजय मेरा वेट कर रहा है, और नवीन अन्ना वो रास्ते में है अभी, उनसे जस्ट अभी बात हुई है। नवीन अन्ना ने कहा कि मैं अराउंड बोरीवली पहुंचाऊं, तो उनको भी थोड़ा टाइम जाएगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं हाईवे तक आने में। और टाइम हो रहा है लगभग 3:45-4 के आसपास। यहां से 1 आवर समथिंग का डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर से तुंगारेश्वर। मैं निकला हूँ मीरा रोड से, धनंजय निकला है थाने से, और नवीन पहुँच रहा है अंधेरी से। तीनों मिलेंगे हम फाउंटेन के आगे, और वहाँ से निकलेंगे तुंगारेश्वर। बारिश अभी तो नहीं हो रही है, बट ऊपर देखो बादल ही बादल छा रखे हैं। तो मानसून की हमारी ये इस मानसून की 2022 की सेकेंड राइड है। पहला राइड हमने किया महाबलेश्वर के लिए, और अब हम जा रहे हैं मानसून में शिवजी के दर्शन करने। अपने चैनल की जर्नी की ये 6th राइड है। सामने नज़ारा देखो यार, पूरे की पूरे पहाड़ हरे भरे हुए हुए हैं, और सुबह के टाइम पे तो ये पहाड़ दिख भी नहीं रहे थे। ऐसे छोटा सा पहाड़ है, जैसर चकना का, से अगर आप आगे निकलते हो तो उधर आता है। क्या है, राइड पे निकलने का जो मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही है। चलो आप लोगों को यहाँ पे भी कुछ दिखाता हूँ मैं। ये देखो सामने की तरफ देखो, बादलों में पर्वत छुप गए हैं। वो गाना है ना, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अभी बादलों में छुप रहा है पहाड़ क्यों। बारिश तो मुझे वहाँ लग रहा है घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश। तो आज के भी राइड जो है बहुत एडवेंचरस होने वाली है, मुझे पूरा पूरा लग रहा है, क्योंकि बादल तो बहुत घने छा रखे हैं, और हम लोग निकल पड़े, पूरा बरसात में ही चलाना पड़ेगा। तो पूरे बरसात में अगर गाड़ी चलाएंगे तो श्योर नहीं है कि ये सब चीज़ें कैमरे पर मैं कवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो जब तक बारिश नहीं है तब तक कवर करते, क्योंकि मेरा जो GoPro है वो मीडियम मोड के साथ है, और मीडियम मोड इज़ नॉट वाटरप्रूफ। तो अगर बारिश शुरू होएगी तो मुझे GoPro तो उतारना ही पड़ेगा। चलो जब तक आप लोग भी नज़ारे को एंजॉय करो। मैं ऑलमोस्ट हाईवे पे पहुंच गया हूं, और डीजे बेचारा मेरा वेट कर रहा होगा। और जैसा मैं मेरी हर राइड पे बोलता हूं, एज यूजुअल हम लेट हैं, तो मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पे पहुंच के। भाई लोग पहले मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और बारिश इतनी और ट्रैफिक इतना है, ये देखो आपको फ्रेम में दिख ही गया है। डीजे अपनी तीसरी राइड, और नवीन अभी आ रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं वसई मीरा भाईंदर खाड़ी क्रॉस करके, जो नमस्कार फूड रेस्टोरेंट है बस उसी के पास खड़े हुए हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर नवीन।
रस्ते में थोड़ा बारिश हो रहा है तो सोच रहे हैं कि रेनकोट पहन लेते हैं, इसलिए बस रेनकोट निकाला है। एंड यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में हम लोग तुंगारेश्वर पहुँच जाएंगे। और भाई सामने के नज़ारे देखो, देखो ट्रैफिक के साथ साथ तो अच्छी चीज़ें देखो, क्या मौसम हो रहा है, बादल ही बादल। नवीन अन्ना इज ऑल्सो हेयर, नवीन ये आए अपना बैलगाड़ा चलाते हुए, इन्हीं का हम वेट कर रहे थे और अब बस निकलते। जरा नवीन से पूछे इनका एक्सपीरियंस क्या रहा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नवीन? बहुत ही बढ़िया था। कम से कम 1.5 घंटे से अंधेरी से यहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे रेनकोट के बारे में डिस्कशन हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। अब निकलते हैं, 2 मीटियोर और एक यूनिकॉर्न लेकर के तुंगारेश्वर। हमें जाते हुए पेट्रोल भी भराना है, सो लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट तो ऑसम हो ही रखा है, तो ये आगे जो मेरे भाई जा रहे हैं ये दो, ये बोले कि भाई क्लाइमेट देख के मज़ा आ रहा है, तुमको देख के और मज़ा आया, ऐसा मन कर रहा है कि आपके पीछे आके बैठ जाऊँ और आप जहाँ जा रहे हो मैं भी निकल जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। छोटी राइड हो या बड़ी राइड हो यार, एक्साइटमेंट तो सेम लेवल की रहती है रोज़। अगर आप राइड्स एंजॉय करते हो तो सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट मिलेगा आपको। ये हमारे महान 2 राइडर चल रहे हैं, मिस्टर नवीन अन्ना एंड वागले एस्टेट के ओनर मिस्टर धनंजय यादव। और दुनिया भर का कीचड़ और दुनिया भर की गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही है। वेलकम टू मॉनसून राइड। तो भाई लोग महाराष्ट्र का वाटर क्रॉसिंग और शिव जी के दर्शन के लिए अपने रवाना होते हुए। नवीन बाय बाय, डीजे बाय बाय। चलो अब देखते हैं डीजे और नवीन। आने दे नवीन, सेंटर से ले। वो रुक। इट्स ओके। अभी तेरे को टेढ़ा नहीं करना चाहिए था। पानी भर गया उसमें, नहीं तो पानी में रखने का मतलब ये आगे निकाल देते हैं। निकाल और नवीन बाबू की गाड़ी गिर गई थी, नवीन भी गिर गए थे। Yeah.
निकल जाएगा, दो मिनट ठंडी होने दे इसको, इंजन बंद कर। डीजे तू थोड़ा ज्यादा जल्दी लिया, तेरे को पांव टिका देना चाहिए था। धनंजय तैयारी करते हुए पानी के सैलाब में कूद रहे हैं। डीजे तुझे कुछ भी हो जाए मेरे फोन को कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से चला, आराम से चला, पहला गियर। डीजे बाबू ने भी अपनी गाड़ी बंद कर ली है भाई, के पूरे गौरव करना अवतार। तो डीजे है सक्सेसफुली मेड इट, अब बस नवीन की गाड़ी चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अबे पांव ऊपर नहीं, तुझे पांव टिकाना चाहिए था नीचे। इंटरनल डैमेज होते होते बच गया, नवीन बाबू के फॉल के साथ गाड़ी बच गई है। गाड़ी का बचना चाहिए, देखो पानी कैसे दबा दब निकल रहा है, पूरा गाड़ी को नहला दिया, अच्छे से वॉश करा है इन्होंने, गाड़ी के पैसे सेव किया है। अंकल को देखो, अंकल एक नंबर एक नंबर। सो फाइनली मेरा भी ये फर्स्ट विजिट है भाई लोग तुंगारेश्वर, एंड द एक्साइटमेंट कंटिन्यूज। भीग गए हम लोग सारे नदी में, तेरी तेरी गाड़ी बचाने, तेरे को बचाने के लिए कूदा हूं मैं, याद रखना नवीन। तो भाई लोग वाटर क्रॉसिंग कर ली है, और ये रे डीजे, नवीन भी पीछे है। अब चलते हैं महादेव के दर्शन करने। भाई मंदिर कितना आगे? मंदिर अभी यहाँ से आपको 15 मिनट जाना पड़ेगा भाई। 15 मिनट और जाना है, बाइक जाएगा ना ऊपर तक? हाँ जाएगा। चलो देखते हैं, थैंक यू। तो मतलब एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है भाई, एडवेंचर अब चालू हुआ है। आगे पानी ज़्यादा है बोल रहे हैं, लेकिन बाइक जाता है, तो बाइक जाता है तो हम लोग भी जाएंगे। ऐसा लग रहा है कोई नदी में ही चल रहे हैं जिसमें पानी कम है। हाँ साहब, हाँ मंदिर मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, बस वहीं तक ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? नहीं मंदिर के लिए ही आए और वापस निकलेंगे भाई, सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए आए क्या आप? एक और वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग तो दिखा क्या खतरनाक वाली है। और आगे लिया डीजे, आगे लिया बोल कर रहा, आगे आ जाओ डीजे, कम हेयर। कोशिश रहेगी हमारी राइट हैंड साइड से निकालने की, ताकि हम लोग गिरे नहीं। अब देखते हैं, तो ये वीडियो बन रहा है उन लोगों के लिए जो इस राइड पे आने से बैकआउट कर गए। क्या नाम है उनके? रोहन तनेश। रोहन
और प्रथमेश। तो भाई हम लोग तो देखो क्या टाइम पास कर रहे हैं, और व्यू देखो तुम्हारे को कहाँ मालशेज जाना है तो मालशेज अगले हफ्ता जाएंगे हम। 30 किलोमीटर में इतनी जगह पहुंच गए जहाँ पे एडवेंचर करने के लिए। और नवीन अन्ना ने तो आज एक अचीवमेंट किया है, दो बार वाटर क्रॉसिंग करने की कोशिश करी, बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन एक बार गिर गया, एक बार गाड़ी बंद हो गई। चलो लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड इट्स गुड। एंड धनंजय ने तो फोटोग्राफी भी शानदार करी और विदाउट एनी फ्लॉ यूनिकॉर्न उड़ाता हुआ लाया है। भाई वागले एस्टेट के ओनर है और क्या। झरना देखो भाई क्या जबरदस्त झरना है, और ये रहे नवीन अन्ना एंड डीजे बाबू। ये रही हमारी गाड़ियाँ, ये अपनी डेजर्ट शिप, नवीन बाबू की मीटियर और डीजे की यूनिकॉर्न। एंड मिस्टर नवीन नाउ एक्सपीरियंस विद टू वाटर क्रॉसिंग, एंड मिस्टर धनंजय। सो डीजे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक। नवीन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर? इट वाज आसम। चलो तो पुष्पा का भी एक्सपीरियंस ऑसम रहा, एंड वागली एस्टेट के ओनर का भी एक्सपीरियंस ऑसम रहा, अपना भी एकदम धमाल। बट भाई जब पहली बार निकाल रहे थे तो फट तो सबकी रही थी कि गिर गए तो, है कि नहीं डीजे? एक बार तो लगा होगा ना कि गिर गए तो निकलेंगे कैसे। नवीन को भी लग रहा था अंदर से, लेकिन नवीन तो गिरा ही नहीं, नहीं लेकिन उसने अटेम्प्ट किया और क्रॉस किया, वो बहुत बड़ी बात है। बस रुक जा, डीजे हाथ थोड़ा नीचे कर यार, डीजे ये वाला हाथ उस पे रख। Hey!